ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। विश्व का सबसे बड़ा अपराध यही है, ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। एक क्षण भी ज्ञानमय होते हुए भी ज्ञानमय स्वीकार नहीं किया, रहा तो ज्ञानमय ही, ज्ञान मात्र और ज्ञानमय। मात्र कहने से पर से भिन्नता कही और ज्ञानमय कहने से ज्ञानमयी अनंत शक्तियों से अभिन्नता कही। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। एक क्षण भी स्वीकार नहीं किया मैं ज्ञानमय हूं। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं किया है, न श्रद्धा न ज्ञान न आचरण। अरे कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं भैया तुमने सुनी नहीं एकत्र विभक्त आत्मा की कथा, जिसको तुम धर्म कथा मानते रहे हो वह अभी काम भोगों की कथा बन करके रह गई। पक्ष से सुनना, व्यक्ति को सुनना, ये सब एक ही बात है, काम भोग बंधन की कथा है। कानूनी का विषय बनाना, अपने मतलब की सुन लेना, वो एक बार में सुन लेंगे, एक बार में। हम ये कह रहे हैं कल्याण कैसे होगा जब तक अंतर्दृष्टि नहीं बदलेगी। हम क्या सुन रहे हैं, अपने मतलब की बात सुन ली और बात बन खत्म, तुम कहते रहो हमारा स्टेशन आ गया। क्या हमारा स्टेशन विषय भोगों का है? हमारा स्टेशन काम भोगों का है क्या? बस बस वो बात हाल से सुन ली, घी खाया करो ये तो सुन ली, और व्यायाम किया करो ये नहीं सुनी। वो डॉक्टर ने बता दिया, डॉक्टर ने घी बताया तो व्यायाम भी तो बताया, तुम्हें घी पचाओ भी तो सही। वो सुन ली, ये तुम सुनो। वो डॉक्टर ने कह दिया था, डॉक्टर ने कह दिया था तो पचाने के लिए भी तो कह दिया था, श्रम करने के लिए भी तो कहा है डॉक्टर ने। कई बार कहा कि श्रम किया करो, श्रम किया करो, श्रम किया करो, वो 10 बार कहने पर भी नहीं सुना, और घी खाना चाहिए एक बार में सुन लिया। हम क्या सुनते हैं? जो हमारे मन की होती है, हमारे पक्ष की होती है। हम क्या केवल बनना चाहते हैं? जो हमारे मन की हो। सोचो, अरे तुम्हारे मन की अगर बात अच्छी होती तो फिर संसार में दुखी क्यों हो? यहां क्यों बैठे हैं? पंचम काल वाले क्षेत्र में क्यों आए हैं?